हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज दोस्तों हम बात करेंगे प्रमुख उत्प्रेरक के बारे में कि कौन सा उत्प्रेरक किस विधि में उपयोग होता है। तो आइए पहला देखते हैं हम अमोनिया, अमोनिया गैस बनाने की विधि में, हाइबर विधि में, अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में जो कैटालिस्ट उपयोग होता है वो होता है आयरन, लोहे का चूर्ण का उपयोग हम करते हैं। और दूसरा हमारा है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में जो हमारा कैटालिस्ट उपयोग होता है वो निकिल कैटालिस्ट उपयोग होता है। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि में, सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि में प्लेटिनम कैटालिस्ट का उपयोग करते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल की शीस कक्ष विधि में, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की दोनों विधियां हैं लेकिन दोनों में संपर्क विधि में प्लेटिनम का उपयोग करते हैं और शीस कक्ष में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अगला है एल्कोहल, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में जो हम कैटालिस्ट का उपयोग करते हैं वो गर्म एल्युमिना का उपयोग करते हैं। अगला है क्लोरीन, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में जो हमारा कैटालिस्ट उपयोग होता है क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग करते हैं क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में। तो दोस्तों ये आप लोगों को बहुत से कंपटीशन में और बोर्ड पेपर में भी हेल्प करेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।